नमस्कार प्रणाम, मैं रिंकू भारती गोस्वामी जितने भी इस चैनल के माध्यम से मुझे इस वक्त देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और जितने भी मेरे यूपी बिहार के लोग बाहर वालों को गौर लगा था नहीं। हमारा बहुत अच्छा लगा था फिल्म लाडली का हमारे को हिस्सा बानी और जौन हमारा करेक्टर बा वो एक माँ बेटी का कनेक्ट करके मैं दिखाई तो हम बहुत खुश बानी कि हम फिल्म बहुत पहले बने और शुक्ला जी का अपोजिट हमारे करेक्टर बा तो हम खुश बानी यहाँ के वाइफ के रोल बा। चौथा फिल्म करे तानी यहाँ के संगे तो बहुत ही खुशी बा और इस पूरा यूनिट हमारे खातिर नया बालो सब लोग है ना, बस शुक्ला जी के छोड़ के तो खुशी होता रही जी आके कि सब लोग इतना अच्छा बा मिलनसार बा तो हमरो काम करके बहुत अच्छा लगे। और एक बात को और ही खुशी बा कि लाडली फिल्म माँ बेटी के में प्यार दिखावल जाए बहुत बड़ा इमोशनल बा में अटैचमेंट बा कहीं ना कहीं हम बहुत खुश बा। अभी हम ना बता पाएँ ओपन ना करें कि स्टोरी कहाँ बा का ना आ हमरा हमार बेटी इतना सुंदर हमरा सामने बैठल बड़ी आ ये लोग के संग तनु जी प्राची जी सब लोग के संग हम फर्स्ट टाइम काम करें तो यह सब बा और वाले से आग्रह बाकी देखें वो निर्माता निर्देशक बहुत मुश्किल से एक अच्छा कॉन्सेप्ट फिल्म लोग बनावेला बहुत मेहनत एक पीछे रहेगा तो जब भी ये फिल्म रिलीज हो रो लोग थिएटर में जाएं और थोड़ा मेहनत रो लोग करी ताकि यहाँ लोग मेहनत सफल हो गया और फिल्म के प्यार दी आशीर्वाद दी। मोदी जी भी घर घर नारा बाबा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमने के कोशिश बा कि वो बेटी के ऊपर आधारित ये फिल्म हमने के बनाओ तनी सहन और वो लोग एक देख के सपोर्ट करी प्यार दी आशीर्वाद दी यह प्रार्थना बा और पूरा यूनिट के हमारे शुभकामना बा। ऐसा है कि सबसे पहले तो भोजपुरी समाज को पाए लगी प्रणाम नमस्कार और कहना क्या है, आप लोगों ने तो सब कुछ पर प्रकाश डाल दिया है लेकिन यदि आप कोई पहला प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब देना प्रयास। आप एक्टर के साथ साथ गीतकार भी हैं, एक्टिंग बारे में बात करें जो है गीत के जो आपने लिखा राखी दी उसके बारे में किस तरह से आपने सोचा इमेजिन किया और जो फिल्म में किस तरह से दिखाया गया। ऐसा कि हमें इस फिल्म का क्लाइमेक्स दिया गया अब क्योंकि आज 30-35 वर्ष से गीत गजल कविता ये सब लिखते आया हूँ, कभी सम्मेलनों में तमाम तरह के मंचों पर मिला है साथ लोगों का, आकाशवाणी दूरदर्शन में भी प्रसारण हुआ है तो चूंकि इतना अनुभव हो गया कि जितना भी विचार लोग देते हैं तो चाहे वह व्यक्ति पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो लेकिन जब फ्रंट में आता है तो बहन बेटियों की बात जरूर उठाता है, बैकडोर में चाहे वो जो करता हो जो धरता हो तो जो फ्रंट में देखने के लिए मिलता है तो बहन और बेटियों के ऊपर, क्योंकि इनको आदिशक्ति भी कहा गया है क्योंकि यदि ये प्यार करती हैं तो अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देती हैं लेकिन यदि ये दुश्मनी पे आती हैं तो इनको गजगामिनी भी कहा गया है, ये पैरों के तले कुचल देती हैं। इसलिए सारे समाज के लिए आज तक जो भी प्रश्न उठते आए हैं भोजपुरी समाज के लिए यह जो लाडली फिल्म है ये सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर निचोड़ जी। आप पेशे से डॉक्टर हैं फिर भी एक्टिंग और गीत लिखने में समय देते हैं तो कैसे मैनेज हो पाता है? मैनेज इस प्रकार से हो पाता है कि ये बचपन से मेरा शौक रहा है और मैं कोई नया गीतकार नहीं हूँ और नाटकी पेशे में भी 40-45 साल से हूँ। हमें जब भी फुर्सत मिलता है, क्योंकि यदि 12 बजे रात को भी कोई पंक्ति दिमाग में आ गई मैं 12 बजे रात को भी उठता हूँ और उस पंक्ति को पूरा करता हूँ, उस गीत को पूरा करता हूँ, चाहे हमको वो 4 बजे भोर हो जाए 5 बजे भोर हो जाए लेकिन बिना उसको कंप्लीट किए उठने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि मैं इस मिट्टी से प्यार करता हूँ, इस देश से प्यार करता हूँ और इस देश के लोगों से प्यार करता हूँ और सकल समाज से प्यार करता हूँ। हमें स्नेह है, हमें मोहब्बत है और मैं सबके गरिमा का ख्याल करना चाहता हूँ और सबके दिल को किसी के भी दिल को मैं ठेस पहुँचाने का कभी भी स्वप्न में भी सोचता नहीं हूँ ना ऐसा मैं प्रयास। लाडली में क्या किरदार निभा रहे हैं? लाडली में हमारा पॉजिटिव लीडर का करेक्टर रोल है जो लोकप्रिय होता जा रहा है धीरे धीरे अपने गांव में नगर में हर जगह और लोकप्रिय होता जा रहा है। तो हमेशा से दो पक्ष रहे हैं कि जब कोई भी लीडर लोकप्रिय होने लगता है जो पहले का लीडर है वो उसको ईर्ष्या हो जाती है और ईर्ष्या जो है यह सबके मन से निकलने की बात नहीं होती है तो कुछ कुछ अपने लोग अपने इच्छा को निकालने के लिए अपने सामने वाले को कांटा समझकर रास्ते से हटाना चाहते हैं
और इस फिल्म में भी जो मेरे साथ हुआ है, हमारे अगेंस्ट के जो लीडर हैं उन्होंने यही प्रयास किया। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि इतनी साफ सुथरी फिल्म है, इसमें कोयल से लेके, कोयल की कूक से लेके पपीहे के तेर तक की आवाज़ है, और इसमें सवेर से लेकर के अबेर तक की साज है। और क्या कहूँगा, बहुत ही मनोरम फिल्म है। और जैसे सरता का पानी कलकल करते हुए गंगोत्री से गंगा सागर में जाके मिलता है, यह पिक्चर भी यहाँ से होते होते, भारत देश से होते होते, नेशनल से निकल करके ये इंटरनेशनल तक जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और सबको धन्यवाद, और सबको प्रणाम।